नमस्कार, ऑल इन वन चैनल में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करेंगे ब्लूटूथ स्पीकर बनाने का तरीका। चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन घंटी दबा दें, जिससे कोई भी वीडियो बने आपके पास तुरंत पहुंच सके। देख लीजिए ब्लूटूथ स्पीकर बनाने के लिए क्या क्या लगेगा। सबसे पहले बूफर साउंड एक लेना होगा, ये आपको लोकल मार्केट में आसानी से मिल जाएगा। इसमें जो भी लगेगा वो आपके लोकल मार्केट में इलेक्ट्रॉनिक शॉप पर मिल जाएगा। दूसरा हो गया एम्पलीफायर प्लेट, तीसरा हो गया ब्लूटूथ, ये आपको मार्केट में आसानी से मिल जाएगा। उसके बाद एलईडी चार्जिंग पिन, स्विच, डायोड और एक डब्बा। अब देखिए कैसे बनता है। अब इसमें हम बैटरी का सप्लाई देंगे। यह देखिए डब्बे में मैंने एलईडी चार्जिंग पिन, स्विच सब सेट कर दिया है। अब यह हम बैटरी का सप्लाई दे रहे हैं और उसके बाद स्पीकर इसमें हम लगा देंगे।
यह जो एम्पलीफायर का प्लेट आप मार्केट से लाएंगे इसमें सब कनेक्शन दिया रहता है, स्पीकर का दिया रहता है, ब्लूटूथ का दिया रहता है, मतलब इसमें आपको सब कनेक्शन मिल जाएगा। इसे आप आसानी से सेट कर सकते हैं। अगर आपको कुछ भी पूछना है तो आप कमेंट में पूछिएगा। यह देखिए हमारा ब्लूटूथ स्पीकर बनकर तैयार हो गया। अब इसे हम चेक करेंगे और देखेंगे कितना बढ़िया इसका आवाज़ आ रहा है। तो आप भी ऐसा घर पर बना सकते हैं। आपको कोई भी एक डब्बा ले लेना है, जैसे यह देखिए मैंने चॉकलेट पाउडर का डब्बा यूज किया है, आप कोई भी डब्बा ले सकते हैं, उसी में आप बना सकते हैं। इसका सब सामान भी आपको लोकल मार्केट में मिल जाएगा। इसमें आपको यह बात ध्यान देना होगा, जो आप स्पीकर लगाएँ, साउंड लगाएँ, वो बूफर साउंड हो। जैसे देखिए यह एक बूफर साउंड है और यह मोबाइल के चार्जर से चलेगा भी और चार्ज भी होगा, क्योंकि इसमें मोबाइल का बैटरी मैंने लगाया है। आप चाहें तो जो मार्केट में 4 वोल्ट का बैटरी मिलता है वो भी लगा सकते हैं, या आपके पास मोबाइल का बैटरी हो वो भी आप लगा सकते हैं। देखिए यह मोबाइल का चार्जर है, अब इसी से हम इसे चलाएँगे। देखिए सप्लाई देते ही यह LED जलने लगा, इसका मतलब इसमें सप्लाई आ गया। देखिए इसे मैंने 30 मिनट चार्ज किया है, अब यह चार्ज हो गया। अब इसे हम चलाकर देखेंगे। इसे अब हम मोबाइल से कनेक्ट कराएंगे। नमस्कार ऑल इन वन चैनल में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम बनाएंगे DC पंखा और इसके लिए हम रॉ मटेरियल लेंगे। एक आपको मिल जाएगा DC मोटर, एक आपको यह पंखे ले लेना है। देखिए कितना बढ़िया इसका आवाज है। तो आप लोग इसे घर पर जरूर बनाइएगा और अगर आपको कुछ भी पूछना है तो आप कमेंट में जरूर पूछिएगा। वायर से भी जाली बना सकते हैं, तार से लोहे का वायर लेना है और उसके बाद ये आपको लेना है पाइप जो टोटी में यूज होता है, और उसके बाद इसके स्टैंड के लिए आप यह देखिए मैं पुल्ली का आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम बनाएंगे DC पंखा और इसके लिए हम अबे देखिए अंधेरे में कितना बढ़िया लगेगा। तो आप लोग ऐसा घर पर जरूर बनाइएगा। चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन घंटी दबा दें जिससे कोई भी वीडियो बने आपके पास तुरंत पहुंच सके। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। नमस्कार।